हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ यूट्यूब के बारे में। मेरा यूट्यूब अकाउंट सस्पेंड हो गया था 30 डेज के लिए और मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया था। अब ये अनेबल हो गया है आफ्टर 30 डेज। तो ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया था यूट्यूब ने, आइए जानिए। हो सकता है सेल्फ क्लिकिंग ऑफ एड्स, हो सकता है मेरा CTR रेट बहुत हाई हो गया हो, इसलिए उन लोगों ने मेरा यूट्यूब अकाउंट सस्पेंड कर दिया हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ था तो क्या हुआ था। जब मैंने लॉगिन करा और देखा मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल आ रहा है, मैं शॉक हो गया कि ये कैसे हो गया। मैंने तुरंत ही जाके अपना एडसेंस अकाउंट चेक करा और आपको पता ही होगा एडसेंस अकाउंट में हम जाके यहाँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाके प्रोडक्ट्स को चूज करके होस्टेड एडसेंस फॉर कंटेंट चूज करके अप्लाई करके अपने अकाउंट की अर्निंग देख सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ मार्च में हुई थी, तो हम लास्ट मंथ मार्च का देखते हैं रिकॉर्ड। मेरी अर्निंग यहाँ पे शो हो रही है और हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। और अगर क्लिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें CTR रेट के बारे में पता लगेगा पर डे जो हमारी थी। जिन लोगों के भी YouTube अकाउंट होंगे वो इस तरीके से चेक तो करते ही होंगे अपने अकाउंट्स को Google AdSense के, कि कितनी अर्निंग हो रही है, क्या क्लिक थ्रू रेट रहा है, क्या CPC है, क्या क्लिक्स हैं। तो देखिए 23 मार्च को मेरा अकाउंट उन लोगों ने बंद कर दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा CTR है 7.21%। तो जो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं है आपका CTR अगर 10 से ऊपर हो। जैसे मैंने कई YouTube वीडियोस पे देखा, कई जगह पता करा, तो जब आपका CTR रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो आपके अकाउंट को सस्पेंड करते हैं। तो मैं ये बता दूँ, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मेरा यहाँ पर CTR ज़्यादा नहीं था, आप देख लीजिए 6, 4, 5, 7 के बीच में चल रहा था। इवन एक बार तो 7.76 हुआ था, तब भी उन लोगों ने मेरे अकाउंट को सस्पेंड नहीं करा था। जब मेरा 7.21 का हुआ तब मेरे अकाउंट को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है वैल्यू बहुत हाई हो तभी आपका अकाउंट को सस्पेंड करें, लो वैल्यू पर भी वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं, जैसा उन लोगों ने मेरा किया। 23 मार्च को जब मेरा ये हुआ, मैंने मेल चेक करा तो आप यहाँ मेरा मेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है 30 डेज के लिए और कोई ऐड की सर्विंग नहीं होगी ड्यूरिंग दिस टाइम। और आप देख सकते हैं ये एक वन टाइम है और नॉन अपीलेबल सस्पेंशन है, यानी आप कोई अपील नहीं कर सकते इसके लिए, वो आपके अकाउंट को सस्पेंड ही रखेंगे और 30 दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली री एनेबल कर देंगे ऐड सर्विंग मेरे अकाउंट पर। और मैं आपको फॉर्मल दिखाता हूँ, YouTube ने भी मेरी पार्टनरशिप को डिसेबल कर दिया था। उन्होंने कहा था जब एडसेंस आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो हम YouTube की पार्टनरशिप को भी डिसेबल कर देंगे। मैंने देखा कि अब इसमें तो कुछ किया जा नहीं सकता क्योंकि आप अपील कर नहीं सकते हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपको सिर्फ 30 डेज वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपके अकाउंट के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा 30 डेज, आप और कुछ नहीं कर सकते। जब 23 मार्च को मेरा हुआ था तो आफ्टर 30 डेज 23 अप्रैल को ही गूगल एडसेंस ने ऑटोमेटिकली जैसा कहा था मेरे अकाउंट को री एनेबल कर दिया है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं अपील कर दूं, वो कर दूं जिससे मेरा अकाउंट मुझे वापस मिल जाए, मेरा एडसेंस अनेबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा तभी वो आपका अकाउंट एनेबल करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल से फिर मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई दिस मंथ अप्रैल आफ्टर 23। अब यह मेरा CTR ज़्यादा आ रहा है, आप यह देख सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा ना CTR ज़्यादा हो। अगर आपने कुछ अकाउंट में कुछ गड़बड़ हुई है, जैसे कि मेरे पहले हुआ था, आपने देखा कि मे बी सेल्फ क्लिकिंग रही होगी, कुछ वजह रही होगी जिससे मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ होगा, तो
अब यहाँ देख सकते हैं मेरा CTR ज़्यादा है, लेकिन मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी है, तो मुझे मालूम है मेरा अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि CTR अगर बहुत कम हो तो भी कोई गारंटी नहीं है, आपका अकाउंट वो डिसेबल कर सकते हैं। कहीं वीडियोस पे जब मैंने देखा कि ज़्यादा CTR पे होता है, तो मैंने सोचा था कि ज़्यादा CTR पे डिसेबल होता है, नहीं, कम वैल्यू पर भी वो डिसेबल कर देते हैं अगर कोई रॉन्ग एक्टिविटी हुई है। तो दैट्स इट गाइस, मैं यही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था यूट्यूब के रिगार्डिंग। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।